आर्य समाज का जो प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होता है उसका एक अपना उद्देश्य होता है। केवल इसलिए नहीं होता कि भाई किसी ने जगराता बोला हुआ था, कोई इच्छा पूरी हो गई और इसलिए जगराता किया है, उसका कोई उद्देश्य मात्र नहीं है। आर्य समाज के कार्यक्रम, उत्सव, जलसे, ये जितने भी कहीं पर भी रखे जाते हैं, इनका एक उद्देश्य होता है। और उद्देश्य क्या है दुनिया के लोगों? वो उद्देश्य है कि जो वैदिक धर्म से, वेद मार्ग से मनुष्य भटक गया है, जो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आकर के 19वीं सदी के उपरांत लोगों को बताया था, हम फिर से उसी वेद मार्ग का अनुसरण करें। और क्यों करें? तो आप सभी जानते हैं, अभी कल की ही बात है, जहां से मैं आई हूँ उत्तर प्रदेश से, वहां के चुनाव चल रहे थे। आप सबको भली प्रकार से विदित है और मेरे से ज्यादा अच्छे ढंग से आप समस्त गतिविधियों को देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं और संभवता अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाल लिया जाए, चाहे वो आर्य समाजी हो या अपने आप को तथाकथित हिंदू कहने वाले लोग हो, वो अंदर से सब यही चाहते थे कि मुख्यमंत्री वही बने। और अदर जो हरियाणा है, राजस्थान है, वहां के लोग भी फोन करके हमसे पूछते थे समीकरण क्या है, किस हिसाब की वो है। तो आप सब जानते हैं मैं यहाँ पर किसी राजनीति के उद्देश्य से नहीं आई हूँ, लेकिन राष्ट्र की बात, देश की बात, देश पर बलिदान होने की बात जब भी आई है तो वो केवल और केवल आर्य समाजों के मंचों से ही उभर करके सामने आई है। महर्षि स्वामी दयानंद जी भी ऐसे सन्यासी रहे हैं कि जिन्होंने धर्म के साथ साथ में बोलो राष्ट्र को भी महत्व दिया है, जिनके सत्याग्रह प्रकाश को पढ़कर के क्रांतिकारी तैयार हुआ करते थे और फांसी पर जिनके शिष्य जब लटकने के बाद उनके काल कोठरी को जाकर के टटोला जाता था तो वहां से सत्याग्रह प्रकाश निकला करता था। लेकिन जरा विचार करना, मेरा ये आपकी जो दृष्टि मैंने कल के दृश्य पर दौड़ाने का प्रयास किया है, ऐसा क्यों कहा? 2017 में जब चुनाव हुआ था और अब जो चुनाव हुआ उसमें बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिला है, आप समझ रहे होंगे। और जो अंतर आपने देखा है वो 121, 111 जो भी हैं, वो जो नाम है, आप उन नामों को भी, लिस्ट को भी कभी ध्यान से पढ़ करके देखना। जब आप उस लिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्थिति किस प्रकार से दिखाई दे रही है। उनमें एक भी नाम ऐसा नहीं जिसके पीछे या जिसके आगे आपको वैदिक धर्म या जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो उनका परिचय दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि यदि समझदारी का परिचय ना दिया होता तो फिर आप समझ सकते थे कि शासन किसका आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी आ सकता था, आगे भी आ सकता है, लेकिन हमारा प्रयास क्या है? हम बटे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर एक बात कही थी कि 80 और 20 का आंकड़ा है और ये सत्य है। आप सभी जानते हैं भाई, यूपी को जब यूपी का नाम आता था तो लोग कहते थे, कोई जानता ही नहीं था कि हिंदू भी यूपी में रहते हैं। सब कहते थे हिंदू तो यूपी में रहते ही नहीं है। पर मैं निवेदन कर दूं, आंकड़ा 20 और 80 का ही है, यही सत्य है, लेकिन हम बटे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए 20 अधिक हो जाते हैं और हम बोलो कम हो जाते हैं। और हम कैसे बटे हुए हैं? हम ना तो हिंदू है जो हिंदू कहते हैं, और आर्यों की बात कह दूं तो बोले आर्य तो दिखाई ही नहीं देते। मैं राजनीति के उद्देश्य से नहीं कह रही हूं कि इकट्ठा हो जाओ, मैं देश के लिए कह रही हूं, धर्म के लिए कह रही हूं,
परिवार की दृष्टि से कह रही हूँ, आप सभी जानते हैं गांव में भी सरपंच वही परिवार बनता है, बोलो जिसका परिवार सबसे बड़ा होता है और जो इकट्ठे रहते हैं। पांच भाई अगर अलग रहते हैं तो गांव के अंदर उनकी भी कोई छाप देखने को मिलती नहीं। और कैसे, तो सुनो, एक बाजार में जब निकले तो देखा ठेले पर रेढ़ी पर अंगूर रखे हुए थे, और अच्छे अच्छे लंबे लंबे अंगूर है, आजकल तो अंगूर की मौसम चल रही है। हमने पूछा, दो तरह के अंगूर रखे हुए, एक तरफ बिखरे हुए थे, एक तरफ गुच्छे में बंधे हुए थे। तो भाई साहब ने कहा, ये इधर के जो अंगूर रखे हैं ये है 80 रुपए किलो, और जो इधर के रखे हैं ये है 40 रुपए किलो। दोनों बराबर थे, रंग रूप आकार बनावट में दोनों बराबर थे, हमसे रहा नहीं गया। भाई साहब दोनों बराबर हैं, दोनों साफ सुथरे हैं, दोनों ही पके हुए हैं, फिर दोनों के अंतर भाव में अंतर क्यों? तो दुकानदार कहता है, बहन जी आपने ध्यान से नहीं देखा कहाँ है दोनों बराबर। अरे एक तो गुच्छे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी कीमत ज्यादा है, और दूसरे वाले अलग बिखरे हुए पड़े हैं, इसीलिए इनकी कीमत बोलो कितनी हो गई, आधी हो गई। और यही हमारे साथ है, हमारा रंग रूप सबका एक, हमारा अस्तित्व एक, धन की कमी नहीं। भारत तीसरे स्थान पर है विश्व में धन के मामले में, लोग वैसे ही कहते हैं भारत को गरीब देश, सबसे पहले नंबर पर अमेरिका का नाम आता है, और तीसरे नंबर पर विश्व में धनी कोई देश तो वो देश भारत है अभी भी। लेकिन फिर भी हम पिछड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं, और ये एकता में राजनीति की बात नहीं करती, परिवारों में भी एकता नहीं है, परिवारों में, यहां मैं भाई भाई की एकता की बात भी नहीं करती साहब, पति पत्नी में भी एकता नहीं रही, जिन्होंने कभी सात फेरे लेकर के कसम खाई थी तेरे हृदय की बात मेरे हृदय में होगी, मेरे हृदय की बात तेरे हृदय में होगी, आज उन दोनों का भी रास्ता बोल दो, एक बोलो तो क्यों सालवन वालों, एक है क्या? एक होता तो अकेले थोड़े बैठते, वो भी तो साथ में बैठी होती, होती या नहीं होती माता जी? रास्ता एक नहीं, तुम बनो आर्य समाजी, भाई थोड़ा सा ठीक कर दो। यही है हमारी अवनति के कारण। अच्छा आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये जो आर्य समाज का सत्संग होता है, यहां पर जितने भी विद्वान बैठ करके बोलते हैं या बोल करके गए हैं, ईमानदारी से बताना, यहां पर हमें देख करके मत कहना वो अच्छी बातें करते हैं या बुरी बात करते हैं, बोलो आप एक बार, अच्छी बातें। ये बातें ऐसी हैं कि हमें सबको सुनानी चाहिए या नहीं सुनानी चाहिए? सुनानी चाहिए। आपको इन बातों को सुनकर के लज्जा आती है या गर्व महसूस होता है? लज्जा तो नहीं आती। अच्छा, इस मंच से कोई ऐसी बात तो नहीं कही जाती कि यदि साथ में पत्नी बैठी हो, बेटी बैठी हो, तो शर्म से सर झुक जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्या कारण है? एक सालवन की बात नहीं करती कि आर्य समाज में लोग अपने घर की महिलाओं को लाते नहीं है। जब अच्छी बात होती है सर शर्म से झुकता नहीं है, और वो बातें हम उनको बताना चाहते हैं, तो फिर अकेले कैसे आते हैं? मैं निवेदन कर दूं, ये जो दिमाग है ना, ये खाली रहने वाला नहीं, ये तो जमीन की तरह काम करता है। अरे आप किसान हैं, किसान आप जानते हैं, यदि किसी जमीन में हल चला करके अनाज या बीज नहीं बोया गया, तो ईमानदारी से बोलना जमीन खाली पड़ी रहेगी क्या? नहीं। फसल तैयार नहीं करोगे तो खरपतवार पैदा हो जाएगी,
पर खाली नहीं रही, और ये भी ऐसे ही काम करता है। या तो इसमें अच्छे विचारों को भर दो, और यदि अच्छे विचार नहीं भरे तो बोल दो जरा, फिर इसमें गलत विचार भरने में जरा भी देरी लगने वाली नहीं है। और फिर वो विचार कैसे बोले, तुम जाओ भाड़ में और मैं जा रही हूं वहीं पर। अब तो छूट गया बाबा, फिर जा लिया पर छूट तो गया था। मैं निवेदन कर दूं, फिर क्यों रो रहे हो? बोले जी क्या करे, बात नहीं मानती। अरे बात तो उसकी मानी जाती है जिसका सम्मान हुआ करता है, और जब हमने अपना सम्मान करना ही नहीं सिखाया, अब उनका सम्मान हो रहा है तो यही कारण है कि बात भी घरों में उन्हीं की चलती है। और एक ने कहा जी हमारे वाली तो नहीं जाती, बहुत अच्छी बात है, वहां नहीं जाती तो घर में ही रखा है एक, उसका क्या नाम है, टीवी फोन, और उसमें सारा दिन ऐसे नाटक चलते हैं, ना कोई शिक्षा की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, पता नहीं उनके परिवार कैसे चलते हैं, बस एक दूसरे के प्रति साजिश साजिश दिखाई देती है। किस प्रकार से नीचा दिखाना है, बहू सास को कैसे नीचा दिखाए, सास बहू को कैसे नीचा दिखाए, पत्नी कैसे पति को नीचा दिखाए, और केवल धन के लिए। इन साजिशों के अलावा कुछ और मिलता हो तो बता दो, और जहां मिलता है वो देखे वहां भी नहीं जाते। इन ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ नहीं है, फोन में भी बहुत अच्छी बातें भी मिलती है, पर उनको कोई देखता नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कई लोग भले ही शराब के अड्डे से निकल जाए फिर भी शराबी नहीं बनते, कुछ घर में भी बैठ करके बन जाते हैं। साहब ये तो संस्कारों का खेल है, इसीलिए कहा आइए हम सबसे पहले जो हमारे घरों में दरार पड़ी हुई है ना, इस दरार को मिटाने का कार्य करें। हमारी आवाज में वो महत्व हो कि हम कहे ये कार्य होना है तो वो होना ही चाहिए। और कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि तानाशाह चला करके करवाना है, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा आचरण ऐसा हो कि सामने वाला मजबूर हो जाए हमारी बात को मानने के लिए। और मैं तो कहा करती हूं कि उतना ही बोलना जितना कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा बोल रहे हैं तो फिर प्रभाव बोलो पड़ने वाला नहीं है। और यही कारण है आज कि हम अपने अस्तित्व को समाज के अंदर तो छोड़ो परिवार के अंदर भी कायम नहीं कर पाए। और वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक भजनों को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक राष्ट्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स सुझाव देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।